हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जोड़ों से कटकट की आवाज, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में लचक पड़ना या फिर बॉडी में पेन होना, कैल्शियम की कमी होना, हड्डियों में, मांसपेशियों में होने वाले दर्द या पिंडलियों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप घरेलू उपाय के द्वारा आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, इसके सेवन से आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में कार्टिलेज समस्या से कुछ ही देर में छुटकारा पा सकते हैं और आप एक आराम की जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहली चीज जो दिखा रही हूँ दोस्तों, वो है कलौंची। यह इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर कलौंची का इस्तेमाल अचार बनाने में या कड़ी बनाने में किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल औषधि के तौर पर बीमारियों से बचे रहने के लिए भी किया जाता है। कलौंची के इस्तेमाल से आप अपने शरीर की 80% बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। कलौंची, जिसे इंग्लिश में ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहते हैं, इसके फायदों की बात करें तो ये उम्र को लंबा करती है। कलौंची जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, सूजन, गठिया, अर्थराइटिस का इलाज करती है। इसके इस्तेमाल से आप शुगर व डायबिटीज से बचे रह सकते हैं, दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, मोटापे से भी बच सकते हैं। कलौंजी में कुछ इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें गंभीर बीमारियों से बचा कर रखते हैं। कलौंजी खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता हो, वो लोग हर रोज कलौंजी अगर एक महीना तक खा लेते हैं तो उनका LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा और ये HDL को बढ़ाने का काम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं ये तो आप जानते ही होंगे। ये कलौंजी हमारे जोड़ों व हार्ट यानी कि दिल को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारी स्किन पर ग्लो बनाती है। ये कलौंजी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। इसके अलावा कलौंजी के सेवन से कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसके अलावा जो स्क्रीन पर अब आपको चीज दिखाई जा रही है, ये है सफेद तिल। इसे इंग्लिश में सीसमे सीड कहते हैं। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होता है। इसके अलावा तिल में डाइट्री प्रोटीन, अमीनो एसिड भी होता है जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको हड्डियों की कमजोरी रहती है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तिल का सेवन उन बच्चों को भी जरूर करना चाहिए जिनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही है। छोटे बच्चों को भी तिल जरूर खिलाने चाहिए, इससे उनकी हाइट में अच्छी ग्रोथ होती है। इसके अलावा तिल वात को बैलेंस करता है। अगले फायदे की बात की जाए तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो तिल से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। 10 ग्राम तिल के अंदर 100 mg तक कैल्शियम होता है, इसीलिए तिल को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन आप इसे अगर सही तरीके से खाओगे, सही मात्रा से खाओगे तो इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इसे किस तरीके से खाना है। यहाँ पर हम आखिरी चीज जो ले रहे हैं वो है अलसी। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। अलसी के अंदर भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, खासकर पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी हो गई है, तो ऐसे में अलसी बहुत फायदेमंद होती है। इसके अलावा भी अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। ये माइंड को रिलैक्स रखती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, हमारी त्वचा को लंबे समय तक जवान रखने का काम करती है। अलसी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास पाता है, यानी कि बुढ़ापे में भी वो लोग दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी उम्र कितनी भी हो, आज से ही अलसी खाना आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर आप रोजाना तिल, अलसी और कलौंजी का सेवन करेंगे ना तो आपको जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द नहीं होगा, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपको वो सभी फायदे मिलेंगे जो आपको बताए जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन तीनों चीजों को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले जानते हैं कलौंजी के इस्तेमाल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कांच का गिलास लिया है और इस कांच के गिलास में आपने आधा चम्मच के करीब कलौंजी के दाने डाल देने हैं। दोस्तों कलौंजी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए आपने इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने इस कांच के गिलास में कलौंजी के साथ साथ पानी भरकर रात को रख देना है, यानी कि रात को इसे ढककर रख दीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, मोटापे से परेशान है, जोड़ों में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, काफी समय से परेशान है, अर्थराइटिस, गठिया है या फिर कमर में दर्द रहता है, शुगर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आप क्या कीजिएगा, कलौंजी के बीजों को पानी के साथ ही गर्म कर लीजिए, यानी कि चाय की तरह आपको बना लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट आपने इसे उबालना है। इसमें मीठे के लिए आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं। आप डायबिटिक हैं तो आपने गुड़ भी नहीं डालना, यानी गुड़ के बगैर ही आपने इसका सेवन करना है। इस चाय को छानकर आपको सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा पहले या फिर नाश्ता करने के 1 घंटा बाद में पीना है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है। कलौंजी का इस्तेमाल आप लगातार कम से कम 20 से 25 दिन तक जरूर कीजिएगा, और लगातार कीजिएगा तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। अगर आप इस तरह से कलौंजी की चाय को बनाकर पीते हैं तो ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देगी, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को दूर कर देगी। जिन्हें हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उससे भी उनको फायदा मिलेगा। इस चाय को पीने से यूरिक एसिड की समस्या भी कंट्रोल होती है। अभी सर्दियों का मौसम है तो कलौंजी की चाय का सेवन पूरी सर्दियों के मौसम में कीजिए, या फिर कम से कम आप इसे 1 महीना तो जरूर पीजिए। चलिए अब जानते हैं तिल और अरसी का सेवन कैसे करना है। दोस्तों तिल को हम किसी भी पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी नमी है वो निकल जाए। कभी भी आपको कच्चे तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पचने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको हल्का भूनकर यानी कि रोस्ट करके ही इसका सेवन करना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से तिल को 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेना है। इसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इस तरह से अलसी को भी आप भून लीजिए, इसे भी आप 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए। अलसी से चटचट की आवाज आने लगे तब आप इसे बंद कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये दोनों की दोनों चीजें, अलसी और तिल, आपने जलाने नहीं है। आप इन दोनों चीजों को एक साथ ले सकते हैं। आपको इन्हें पानी के साथ लेना है, दूध के साथ किनको लेना है, शहद के साथ किनको लेना है, गुड़ के साथ किनको लेना है, मिश्री के साथ किनको लेना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आप अपनी बॉडी के नेचर के हिसाब से इसे खाइए, आपको पूरे फायदे मिलेंगे, नहीं तो इसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। एक बात आपको बता दूं कि इन दोनों ताकतवर बीजों की तासीर गर्म है। अगर आपकी बॉडी का नेचर पित्त वाला है, गर्म नेचर है, तो आप इसे ऐसे ही नहीं खा सकते। आपको इनकी तासीर को नॉर्मल करना होगा या फिर किसी चीज के साथ लेना होगा पित्त को बैलेंस करने के लिए। तो आप इस ठंड के मौसम में थोड़ी सी मिश्री के साथ अलसी और तिल के बीजों को खा सकते हो। मिश्री पेट को ठंडा रखती है। मिश्री के साथ लेंगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपको 1 टेबलस्पून भुना हुआ अलसी लेना है, 1 टेबलस्पून तिल लेना है और इन बीजों को थोड़ी सी मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। इस ठंड के मौसम में दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय इन बीजों को खा सकते हैं। इसके अलावा वात बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, तो आप इन्हें ऐसे ही फंकी लेकर चबा चबा कर खा सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। आप चाहे तो इन बीजों को दूध के साथ भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इन बीजों को खा लीजिए, ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए। अगर किसी इंसान को खांसी है, सर्दी बुखार है, कफ की समस्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, तो आप इन्हें शहद या गुड़ के साथ ले सकते हैं। 1 चम्मच शहद के साथ इन्हें मिक्स करके खा सकते हैं। आप इन्हें बच्चों को भी दे सकते हैं, बस मात्रा का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, आप चाहें तो जब भी आप आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो 1-1 चम्मच इस बीजों का कूट कर आटे में मिक्स करके रोटी बनाइए। इस तरीके से आटा गूंथिए और रोटी बनाइए, इस आटे की वात, पित्त और कफ तीनों चीजें, तीनों प्रकृति की चीजें बैलेंस भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।